सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 29 जो कि पेज नंबर 40 पर है। आइए हम शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सभी अल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 29 दक्षता, दी गई प्रामाणिक सामग्री को पढ़कर तथ्यों को समझ पाना, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। ये जानकारी हम ध्यान से पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने में ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंड रहने वाले स्थानों में से जोधपुर के फलोदी कस्बे का पारा 40.5 डिग्री पर पहुंच गया। तो इसमें 0.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ सर्दी में 40 नहीं होता है, 0.5 डिग्री पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है, इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। तो प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है? तो इसका होगा सूरज। मैं उक्त गंध्यांश में फलोदी कस्बे का पारा, तो फलोदी कस्बे का पारा गंध्यांश में 40.5 दे रखा है। वह जो कि ठंड में इतना नहीं होता है, इसमें 0.5 भी कर सकते हैं इसको हम वापस। प्रश्न नंबर 3, गंध्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया? तो मारवाड़ के लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है, शेष सही है इसका। प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिन तक कितना पारा बना रहता है? तो तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। प्रश्न नंबर 5, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? टुकड़ों में बारिश होना खंड खंड बारिश का आशय है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, उस लिंक को क्लिक करें, वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से भी आप सभी कार्यपत्रक देख सकते हैं। धन्यवाद।